बीते दिनों एक दिन की बारिश के बाद शुक्रवार को राहत रही। दिन भर मौसम साफ रहा, बीच बीच में सूरज देवता के भी दर्शन हुए। हालांकि सूरज और बादलों की लुका छुपी के कारण अधिकतम पारे में कमी हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि रविवार से मौसम फिर करवट लेगा और दो दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं शनिवार के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी करते हुए घने कोहरे की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 21.9 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए। वहीं हवा में नमी का स्तर 68 से 98% रिकॉर्ड किया गया। सुबह के समय कुछ देर के लिए काले बादलों ने आसमान को घेर लिया था। हालांकि बाद में सूरज और बादलों के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहा। शाम होते ही सर्द हवाओं का दौर भी शुरू हो गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही उत्तरी हिमालय से आने वाली सर्द हवाएं दिल्ली की ठिठुरन बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले सप्ताह से तेजी से पारा गिरेगा व सर्दी भी बढ़ेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 23 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग ने शनिवार सुबह के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए घने कोहरे की संभावना भी जताई है। इससे सड़कों से लेकर हवाई अड्डों पर दृश्यता का असर कम रहेगा। अगले सप्ताह के अंत तक न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। इससे रातें और भी ज्यादा सर्द हो जाएंगी। वहीं 5 और 6 दिसंबर को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना बनी हुई है। इससे भी सर्दी का एहसास बढ़ने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।